हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। उस पार्टी में मिस्टर गु रहता है अपने फ्रेंड लोग के साथ। तभी हमारी जून वहाँ पर जा रही होती है। हमारी जून का नाम मिसेस सेंग रहता है। मिस्टर गु का फ्रेंड बोलता है कि अगर ये बात सेंग को पता चल गई तो मैं तुमसे क्या बैकअप नहीं कर लेगी। का दूसरा फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी इससे कभी नाराज हो ही नहीं सकती है। नाराज भी होगी तो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगी, क्योंकि मिस्टर गु के बिना वो रह ही नहीं सकती है। तभी मिस्टर गु का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुमने तो ये बेट जीत ही लिया है। तुमने बेट लगाया था कि सेन के साथ तुम्हारा तुम सेन को डेट करोगे, जो तुम कर दिए हो। कोई और भी हम लोग बेट लगाते हैं, तुम उसको कॉल करो और बोलो कि वो आकर तुम्हें पिकअप करेगी, कि तुम ड्रंक हो, वो डेफिनेटली जरूर आएगी। मिस्टर गु का दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अगर सेन को पता चल गया कि मिस्टर गु बार में आया ड्रिंक करने के लिए, डेफिनेटली तुमसे ब्रेकअप तो जरूर करेगी मिस्टर गु। मिस्टर गु का जो थर्की फ्रेंड होता है बोलता है कि तुमने बेट लगाया था कि तुम डेट करोगे सेन को, एक महीने के अंदर तुमने तो ये बेट जीत ही लिया। हाथ बाहर खड़ी होकर सेन सुन रही होती है, उसको बहुत रोना आता है। फिर अंदर जाती है और मिस्टर गु को बोलती है कि तुम मुझे क्या कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो मिस्टर गु बोलता है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन अपने दिल पर पत्थर रख के बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गु यही बोलते रह जाता है कि तुम बाद में रिग्रेट ना करना। सेन बोल रही थी बाहर खड़ी होकर कि अगर मैं मिस्टर गु से शादी नहीं करूंगी तो मैं डैड मिस्टर चेन के साथ शादी करने के लिए बोल रहा है, जो 50 साल का खोसर बुढ़ा है। हम लोग को दिखाया जाता है इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर लू। मिस्टर लू हमारे यून को देख के बोल रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखने में तो बहुत सीरियस लगता है, पर तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी सेन बोलती है कि मैं मैसेज तुम सेंड किए थे मिस्टर लू। लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारे यून को मॉल पर मैसेज आता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है, बैड बॉयज है, मैं जाकर उसका सच्चाई को पता करना चाहिए। सेन मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर लू तो बहुत पैसे वाला है, लू फैमिली का यंग मास्टर है, पर ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। यार जो भी कुछ हो थैंक यू बोलकर सेन चली जाती। जब वो जा रही होती तभी उसकी फ्रेंड उसे मिल जाती है और बोलती कि क्या हुआ, तो लेट कहाँ चली गई थी। हमारी बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि बोलना जरा तुमने क्या बोला, तुम लोग का ब्रेकअप हो गया। फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर गु मेरे साथ इसलिए था, ओनली ओनली बैक के लिए। उसकी फ्रेंड बोलती है कितना सेमलेस बंदा है, मुझे पता था एक नंबर का ठगी बंदा है। एक और फ्रेंड बोलती है कि आप क्या करोगी, वैसे भी उस ठगी बंदा को भूल जाओ, मैं हम लोग तुम्हारे लिए नेक्स्ट अच्छा बंदा को ढूंढेंगे। इसके बाद हमारी यून मिस्टर गु को ब्लॉक कर देती है वही चैट पे। सेन के पास उसके ठगी डैड का कॉल आता और बोलता है कि तुमने क्या किया। तभी हमारी बोलती है कि मैंने मिस्टर गु के साथ ब्रेकअप कर लिया। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुमने मिस्टर गु के साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया, तुम कॉलेज जाओगी और मिस्टर गु से माफी मांगोगी। फ्रेंड बोलती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। डैड बोलता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो अपना पढ़ाई भी रोक देना, वैसे भी तुम पढ़ के करोगे क्या, तुम्हें वे करना है एक हैंडसम मैन को जो तुम्हारे सपने में आते हैं, तुम उसी का इंतजार करो, बस उससे शादी कर ले। यह बात सुनने के बाद हमारी यून तेज तेज रोने लगती है। हमारी यून मिस्टर गु से अपराजय करने के लिए जा रही होती, तभी सभी दो तीन वो बंदे लोग हमारी यून को बोल रहे थे कि तू वही कॉलेज जो कल ऑफिशियली मिस्टर गु के साथ ब्रेकअप की थी। और दूसरी तरफ देखते कि मिस्टर गु अपने फ्रेंड के साथ कॉफी पी रहा था। तभी हमारी मन में सोचती है कि मिस्टर गु ऐसे तो पहले नहीं था, पता नहीं सभी की तरह हो गया है, नंबर का ठरकी। मिस्टर गु मैसेज देखता है तो सन उसको मैसेज नहीं की हुई थी। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम सन का मैसेज का वेट कर रहे हो ना, टेंशन मत लो, वो एक दो महीने में वापस तुम्हारे पास ही आ जाएगी, तुम्हारे बिना वो रह भी तो नहीं सकती है ना। तो सन फैमिली का सिचुएशन क्या था मैं तो पता ही है, मेरे पास आ गया तुमसे अपोलोजाइज भी करेगी। सुनकर सन वाला चली जाती है और मिस्टर गु जब कॉफी पीता है तो बोलता है कि बिल्कुल टेस्टलेस है, अच्छा नहीं है। फिर सब याद करता है कि हमारी हीरोइन उसके टेस्ट के अनुसार उसको कॉफी बना कर दिया करती थी और गुस्सा कर मिस्टर गु चले जाता। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कॉफी अच्छा पर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लगा। उसी तरफ सेन जब जा रही होती है और मिस्टर लू कार से जा रहे होते, तभी सेन को देखते और इमीडिएटली कार रुकवा देते हैं। चलो कार से उतर के हमारी हीरोइन के पास जाते हैं, तभी सेन अनकॉन्शियस हो जाती है। तुम्हें लू उसके साथ अपना कार लेके जाता है। जब सेन कॉन्शियस होती है तो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। तब वहाँ पर मिस्टर लू हमारी हीरोइन के लिए ड्रिंक करने के लिए और पोरेज बनाकर लेके आते। इसके सेन मिस्टर लू को देख के मन में बोलती है कि मिस्टर लू मुझे होल्ड करके अपने साथ अपना घर लेकर आए हैं। हमारी यून को पानी देते मिस्टर लू तो इमीडिएटली पी लेती है। पीने के बाद मिस्टर लू उसको अपने हाथों से पोरस खिलाने के लिए जाते हैं। तभी सेन बोलती है कि मैं खुद खा लूंगी। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि फैमिली डॉक्टर आया था, तुम्हें हाथों पे इंजेक्शन दिया इसलिए तुम हेवी सामान नहीं उठा सकती है। उसको अपने हाथों से पोरस खिलाने लगता है और हमारी यून खाने भी लगती है। खाने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि तुम आराम करो, इसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। बोलकर मिस्टर लू जा रहा होता है। तभी सेन मिस्टर लू को हाथ पकड़ लेती
और बोलती है थैंक यू मिस्टर लू आज के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा एक फेवर रहा। इस बात पे मारियन बोलती है कि मिस्टर लू मैं ये फेवर को कैसे रिपे करूंगी। तभी कुछ बोलने के लिए जाता है तो मिस्टर लू की मम को कॉल आ जाता है, चले जाता है। फिर मिस्टर लू की मम बोल रही थी कि वैसे भी तुम्हारा एज बहुत ज्यादा होते जा रहा है, मैं कब तक वेट करूंगी अपने ग्रैंड सन के लिए। मिस्टर लू की मम मिस्टर लू को शादी करने के लिए बोल रही थी। मिस्टर लू की मम बोलती है कि अगर तुम मेरे डॉटर लॉ लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करूंगी। अब तभी सैन स्टेयरकेस से नीचे आ रही होती। अब मिस्टर लू अपनी मम को फोन रख के अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि एक वुमेन को अरेंज करो जो मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड करे। फिर मैंने बोलती है कि मिस्टर लू को किसी के साथ शादी करना, वो भी फेक मैरिज। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुमने क्या सब कुछ सुन लिया। तभी सैन बोलती है कि माफ कीजिएगा मिस्टर लू, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर बोलता है मिस्टर लू कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता, तो ओके बोलती है। इसके बाद वो जब जा रही होती है लू के साथ, जब वो कार से उतरती है तभी उसके डैडी को मैसेज करते हैं कि वैसे भी तुम्हारा रेपुटेशन तो बर्बाद हो चुका है मिस्टर गू फैमिली, तुम्हारी इज्जत डॉटर इन लॉ को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए कल तुम मेरे साथ जाओगी और मिस्टर चेन के साथ तुम्हें मैं शादी फिक्स करूंगा जो 50 साल का बुढ़ा होता है। मैंने बोलती है कि 50 साल का बुढ़ा के साथ मेरे डैडी कैसे शादी करा सकता है, क्या मैं रियल डैड है। मिस्टर लू जब जा रहे होते तभी सेन जाते मिस्टर लू के पास और बोलते है कि मिस्टर लू क्या तुम मेरे साथ फेक शादी कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारी मॉम अर्ब कर रही है तुमको शादी करने के लिए। अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरे डैड मुझे मिस्टर चैन के साथ शादी करा देंगे जिसका 50 ईयर एज है, कि मेरे डैड को बिजनेस में हेल्प करेगा, तो मिस्टर लू प्लीज तुम मेरे साथ का शादी कर सकते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके तुम जो शादी करने के लिए रेडी हो। पता नहीं कि शादी का क्या मतलब होता है। तभी सेन हमारी हीरोइन मन में सोचती है कि मिस्टर लू ये बोलना चाहता है कि मैं अपने आप को मिस्टर लू को सौंप दूं, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं, वो हाँ बोल देती इसका लोग मेरा सर्टिफिकेट ले लेते। तो मिस्टर लू मेरा सर्टिफिकेट का फोटो क्लिक करते हैं और अपने पास रख लेते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने पास इसको सेफ रखूंगा। फिर मिस्टर लू बोलता है कि चलो मैं साथ में मैं कहीं और लेकर जाऊंगा। तभी सेन बोलती है कहाँ, तो मिस्टर लू बोलते चलो। तो फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सेन के डैड कर रहे होते, तभी वहाँ पे पहुंच जाती है सेन और वहाँ पे मिस्टर लू भी जाते हैं। सेन के डैड बोलता है कि वैसे भी गर्ल को स्कूल में नहीं देखा था, अभी मिस्टर लू के साथ क्या कर रही है। मिस्टर लू सेन को बोल देता है कि तू चुपचाप देखना और कुछ बोलना नहीं। इसके बाद मिस्टर लू को सेन के डैड बोलते बैठने के लिए, मारियन को पहले बैठा था। उसके डैड बोल रहे थे कि रियल एस्टेट का उनका कुछ बिजनेस है, उसके रिलेटेड बात कर रहे होते। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि इसके एक्सचेंज में तुम क्या दोगे। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपनी बेटी दूंगा। फिर अपनी बेटी को बोलता है मिस्टर लू के साथ ड्रिंक करने के लिए। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें S2 प्रोग्राम का प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी हूँ, पर मैं एक कंडीशन है। तो इसके डैड बोलते हैं क्या कंडीशन है मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे सेन चाहिए और हाँ सेन फैमिली से जितना भी रिलेशनशिप है सब कुछ कट ऑफ होना चाहिए। सेन के डैड मन में बोलता है कि वैसे भी मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए तो इसको करना ही पड़ेगा। फिर भी मिस्टर लू को बोलता है कि सही नहीं है। तभी सेन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी सेन एग्री नहीं होगी। तो मिस्टर लू बोलता है सेन से कि तुम क्या एग्री हो। तभी सेन बोलती कि हाँ मैं एग्री हूँ, चाहती हूँ कि सेन फैमिली के साथ जितना भी रिलेशनशिप है सब कुछ कट ऑफ हो जाए। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए। तभी मिस्टर लू के असिस्टेंट मिस्टर सेन को बोलते हैं कि सर इस तरफ आइए। फिर डैड गुस्सा होकर चले जाते हैं। तभी हमारी इन्होंने सोचती है कि मैं अपना और मिस्टर लू को कहीं सौंप तो नहीं दूं ना, आई मीन सेल तो नहीं कर दी हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि अब से तुम कम्प्लीटली मेरी हो। सेन बोलती है कि मिस्टर लू तुमने जानबूझ के किया है ना। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस लू आज से तुम्हारी न्यू लाइफ है, वेलकम टू न्यू लाइफ, मेरे साथ चलो। तो अपना हाथ दे देती है मिस्टर लू के हाथ में। तो सेन मन में बोलती है कि कोई मेरी हेल्प करो, आज क्या मैं मिस्टर लू के साथ साथ सोऊंगी। मिस्टर लू सेन को बोलते अपने पास आने के लिए। मिस्टर लू सेन का हेयर चेक करता है, बोलता है कि तुमने तो अपना हेयर ड्राई नहीं किया है, मैं कर देता हूँ। इस बात पे सेन बोलती है कि तुम चाहे सावर ले रहे हो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलते हैं क्यों मिसेस लू इंपेशेंट हो रही हो। सेन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं, अगर तुम सावर ले लोगे तो दोनों ही रेस्ट करेंगे। और दूसरी तरफ मिस्टर गु बार में जाकर ड्रिंक कर रहा होता है, ड्रंक कर रहा होता। तभी मिस्टर गु का फ्रेंड हमारी उनको कॉल करता, बोलता है किसी से कि मिस्टर गु कुछ ज्यादा ड्रंक हो गया, तुम आकर उसको देख सकती हो यहाँ पे। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है तो हमारी हीरोइन फोन नीचे कर देती है, आई इमीडिएटली फोन रख देती है। तभी मिस्टर लू आते और बोलते हैं कि क्या हुआ तुम फोन रख दी। तभी सेन डरते हुए मिस्टर लू को बोलती है कि मिस्टर गु का फ्रेंड का कॉल था, बोला था कि मैं मिस्टर गु का फ्रेंड हूँ, इसके बाद मैंने फोन रख दिया। दूसरी तरफ मिस्टर गु अपने फ्रेंड से पूछते क्या हुआ, तो बोलती कुछ नहीं फोन कट कर दी वो। मिस्टर लू बोलता है कि तुम जाकर बेड पे सो जाओ, ज्यादा क्लोज जा रहा था। बोलते कि तुम मैं हेयर कट ड्राई कर सकती हो, तो सेन बोलती है कि मैं अभी करती हूँ। फिर मिस्टर लू को वो हेयर ड्राई करने लगती है। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम पकड़ के इसको थक गई होगी, कोई तुम आराम करो। उसको बेड पे सुला देता है हमारा हीरो। सेन डरते रहते बैठती है बेड पे, तो मिस्टर लू बोलता है कि आराम से सो जाओ, तो फिर वो फटाफट सो जाती है। मिस्टर लू उसको ज्यादा ही क्लोज आता है तो सेन डर जाती है। फिर मिस्टर लू उसको ब्लैंकेट से कवर करता है और बोलता है कि तुम यहाँ प्रे करो, मैं लिविंग रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। क्यों वो भी चले जाता है। तो सेन बोलती है क्या मिस्टर लू मेरे साथ क्या नाइट स्पेंड नहीं करेगा। उसी तक मिस्टर को ड्रिंक कर रहा होता है, कभी उसका फ्रेंड दूसरा बोलता है कि वैसे तू चाहती है कि तुम उसको मनाओ, उसका इससे दर्द है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद आएगी तुम्हें निजा नौकर तुमसे अपरजाई करेगी, टेंशन मत लो। तभी मिस्टर गो का दूसरा फ्रेंड
करता, वो बोलता है कि अगर तुम इसको लाइक करते तो मुझे अप्रोलोजाई करता है। मिस्टर गु बोलता है कि तुम इसको कोई लाइक नहीं करता। अब मिस्टर गु का दूसरा फ्रेंड एडवाइस देता है, उसका बात मानता है। नेक्स्ट है मिस्टर गु जब आते हैं तो अपनी मिसेस लो को सोते हुए देखते, तो सबसे पहले उठाने से पहले फोटो क्लिक करते हैं। तभी हमारी नजर ऐसे डर के बैठ जाती है, बोलते तुम्हें क्या कर रहे हैं मिस्टर लो। तो मिस्टर लो बोलते हैं कि मिसेस लो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तो वो बोलता है कि ओके तुम रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करे नीचे आओ। हाँ मेरी मैम आई है, मुझे तुम्हारी अपनी मैम से मिलाना है। तो हसन बोलती इतना जल्दी। इसके बाद हमारी यंग चेंजर के नीचे आती जहाँ पे मिस्टर लू की मॉम आई थी और उसकी कजन सिस्टर आई थी। तो लू की मॉम सेन से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लू की मॉम सेन से पूछते हैं तुम्हें बुली तो नहीं करता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मॉम इसको मैं कैसे बुली कर सकता हूँ, वैसे भी मैंने इसका बहुत दिनों से वेट किया, ये अपना एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया, इसके बाद मेरे साथ वो मैरिज सर्टिफिकेट ली है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि मतलब ब्रदर आप सीक्रेटली लव करते हो ना बहुत सालों से सिस्टर लॉ से। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मेरे इस पे बहुत सालों से कर्ज था। तभी हमारी उन्होंने बोलती है कि मिस्टर लू ये क्या बोल रहा है। फिर लू की मॉम बोलती है कि अगर तुम इसे शादी करो तुमको इसे बहुत अच्छी तरीके से रखना होगा। तो मिस्टर लू बोलता है कि ऑफ कोर्स मॉम। फ्रेंड बोलती है कि अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं बहुत ही जल्द ग्रेजुएट होने वाली हूँ। इस बात पे मिस्टर लू की मॉम बोलती है मिस्टर लू से कि तुम ये क्या कर रही हो, और सर ये बहुत ज्यादा यंग है। इसका मिस्टर लू की मॉम मिस्टर लू पे गुस्सा कर रही होती है। तभी मिस्टर लू के सिस्टर मॉम से बोलती है कि मॉम आप प्लीज सिस्टर लॉ को बुली मत कीजिए। अभी लू की मॉम बोलती है कि ओके मैं नहीं बुली करूंगी। कभी सैन मन में सोचती है कि मिस्टर लू ये बोल रहा है कि मैं उसको लीगल वाइफ हूँ। तभी मिस्टर लू वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। तो सैन बोलती है हाँ। इसके बाद लोग कार में जाते बैठते हैं। जब वो कार में बैठती है तो देखते वो पूरा गर्ल्स वाला सीट को डेकोरेट किया हुआ था। तभी सैन सोचने लगती है कि मिस्टर लू के पास कोई अनदर गर्ल है क्या। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। तभी सैन बोलती है कि वैसे भी ये सब हर एक गर्ल को पसंद आया, कौन ऐसी गर्ल उसको ऐसा पसंद नहीं है। इसके बाद मिस्टर लू हमारी यंग को स्कूल में छोड़ता है। तो सैन बोलती है कि मैं अभी जा रही हूँ, जाने लगती है। तभी मिस्टर लू बोलता है सेंस है कि भूलना मत कि तुम्हारा एक फैमिली भी है। इसको रिंग पहनाता है और बोलता है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम स्कूल में ये डिस्क्लोज करो कि हम लोग का शादी हो चुका है, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मिस्टर गु से प्राइवेट ना मिलो, ये क्या तुम कर सकती हो। सेन बोलती है हाँ। फिर मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुमको कोई बोलेगा वी चैट में ऐड करने के लिए तो तुम क्या बोलोगी। तो सेन बोलती है तो मैं बोलूंगी कि मैं बॉयफ्रेंड है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि ओके। अंदर जाती है तभी उसकी फ्रेंड उसको बुलाती, बोलती है कि तुम्हारा लेग तो बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी फ्रेंड से बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेन बोलती है तुम गलत सोच रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी वेडिंग नाइट के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल गर्ल हो, कहीं मिस्टर लू कुछ ऐसा कर तो नहीं सकता है ना। अभी उसका मुंह बंद करते बोलती है कि नॉनसेंस बातें ना किया करो। इसके बाद उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि मैंने तुम दोनों का मैच किया है, तुम दोनों डेस्टिनेटेड लवर हो और कपल भी हो, लवर तो नहीं कपल हो। उसके बाद सेन खुश हो जाती है। तभी उधर से मिस्टर गु सू के साथ आ रहा हो। तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर गु और मिस सू शादी करने वाले, उन लोग का एल्डर ने शादी फिक्स कर लिया है। सेन के फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा ना, तुम मिस्टर गु के दम पर गई हो। इस बात पे सेन बोलती है कि किस बात का नाराजगी, वैसे भी मेरा शादी हो चुका है, मुझे ये सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि जो भी कुछ हो जाए मिस्टर गु से तो ज्यादा बॉडी अच्छा मिस्टर लू का ही है। हम वहाँ पे टीचर आते हैं तो वो सभी को ग्रेजुएट जिस पोजिशन पे हुआ था उसका स्कोर बताते हैं। हमारी यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की हुई थी, सभी लोग बोले लगते है कि इतनी ब्यूटीफुल भी है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी की है। तभी मिस्टर गु का जो फ्रेंड होता है और बोलता है कि वैसे भी रियल थोड़ी ना, मुझे लगता है कोई ना कोई किया हुआ। तभी सेन की जो फ्रेंड होती है उससे फाइट करती है। तभी अपमान बोलती है कि ओके तुम बैठ जाओ। मिस सू टॉल हो के सेन को देख रही होती है। इसके बाद सेन जब जा रही होती है तभी वहाँ पे मिस सू पहुँच जाती है। मिस सू सेन को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम मिस्टर गु की एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो सेन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तभी मिस सू बोलती है कि जो भी कुछ हो जाए बस मैं यही चाहती हूँ कि अब से तुम उसे डिस्टेंस बना के रखो। इस बात पे सेन बोलती है सू से भी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी मिस सू बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है लेकिन मिस्टर गु का दिया हुआ रिंग अभी भी तुम पहनी हो, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट तो नहीं है। साथ में सेन बोलती है कि वैसे भी ये रिंग मिस्टर गु का दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये रिंग तो मिस्टर लू ने उसको पहनाया था। हमारी यूनिट बोलती है कि तुम बिलीव करो या ना करो ये रिंग मिस्टर लू ने नहीं दिया, और बोलकर वहाँ से धक्का दे के मिस सू के चली जाती है। कद मिस सू बोलती है कि मैं भी देखती हूँ सेन तुम कब तक ऐसा प्रिटेंड करती हो। दूसरी तरफ मिस सेन जब जा रही होती है तभी मिस्टर लू की मॉम कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा क्लास ओवर हो गया। इस बात पर मिस सेन बोलती है कि हाँ क्लास ओवर हो गया। फिर बोलती है कि तुमने क्या खाना खाया। तभी हमारी यूनिट बोलती है कि मैं अभी तक तो खाना नहीं खाई हूँ, मैं जा रही हूँ कैंटीन में खाने के लिए। तभी मिस्टर लू की मॉम बोलती है कि वैसे भी कैंटीन में तो अच्छा खाना मिलता नहीं है, एक काम करो तुम चलो मिस्टर लू के पास खाना तुम दोनों साथ में खा लेना। वैसे भी मिस्टर लू को मैं कितना बार बोल चुकी हूँ कभी
भी टाइम पे खाना नहीं खाता जिसके से उसको हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाता है। तभी सैन नंदन सोचती है कि मिस्टर लू और मेरा फेक मैरिज है। जब वो मॉम को बात नहीं सुनते तो मेरा कौन सा बात सुनेगा। लेकिन मॉम को बोलने पर हमारी मिस्टर लू के ऑफिस चली जाती है खाना लेकर। तो लू जब सैन को तकता तो बोलता है कि तुम्हारे क्या अपने क्लास नहीं है, तुम यहाँ पर आ गई। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं डिनर लेकर आई हूँ, तभी मैम ने बोला था इसलिए मैं यहाँ पे खाना लेकर आई हूँ, तुम क्या खाओगे। तो मिस्टर लू बोलते हैं ओके, अब वैसे भी जो मिसेज लू बोलेगी मैं तो जरूर करूंगा। सैन नंदन सोचती है कि मिस्टर लू क्या मैं बात सुन रहा है। फिर लोग बैठ के खाना खा रहे होते। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मिस सू मिस्टर वू को बोल रही होती है कि वैसे भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा जेनरस है, तुम्हारा दिया हुआ रिंग अभी तक वो पहनी है, एक काम करो तुम मुझे शादी कर लो। तो मिस्टर वू बोलते हैं कौन सा रिंग। इस बात पे मिस वू बोलती है कि वही रिंग जिसको तुम दिया हो उसमें एल लिखा हुआ है। तो मिस्टर वू बोलता है कि मैंने कोई भी रिंग नहीं दिया। इस बात पे मिस वू बोलती है कि मिस सैन ने खुद मुझे बुलाया कि उसका बॉयफ्रेंड ने दिया, इसका मतलब तुम नहीं दिया तो उसका किसी रिच बंदे के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, किसी और से तो प्यार नहीं करने लगी है। बात सुनने के बाद मिस्टर वू गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलती है कि वैसे भी जब तुम लोग रिलेशनशिप में थे ही तभी सैन ने तुम्हें चीट किया। इस साथ मिस्टर वू गुस्सा करता और कफ तोड़ देता है। कट मिस्टर सुबू को याद आता है कि सैन ने उसे जब साथ नौ लोग थे तो कफ उसको दी थी। उन्हें कट कफ को उठाने लगता है, तभी मिस वू बोलती है कि तुम पागल हो, ये कफ ऑलरेडी ब्रोक हो चुका है, तुम हर्ट कर लोगे अपने आप को। तभी मिस्टर गु बोलता है कि जो भी कुछ हो ये कफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सू बोलती है कि ये कफ तुम्हें सैन ने गिफ्ट किया है ना। मिस्टर गु गुस्सा करता सू को वहाँ से बोलता है निकल जाने के लिए। सू गुस्सा कर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी यून क्लास करके बाहर निकलती है। तभी वहाँ पे मिस्टर गु आ जाता है और सैन से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो सैन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना है। तो मिस्टर गु उसका हाथ देख के बोलता है कि रिंग तुम्हें किसने दिया है, मुझे अब पता चला कि तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया है, बिकॉज तुम्हें बहुत अच्छा गुड मैच मिल गया है ना इसीलिए। सैन बोलती है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं किसी और को क्यों नहीं खोज सकती हूँ। तो मिस्टर गु बोलता है कि वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तो रेडी था पर तुम ही पास नहीं आई। इस बात पे हमारी बोलती है कि भला मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊँ, मैं ऑलरेडी शादी हो चुका है। इस साथ मिस्टर गु बोलता है कि मेरे अलावा तुमसे कौन शादी करेगा, वैसे भी सैन फैमिली का तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे भी सैन बोलती है गु से कि तुम तो मुझे लाइक नहीं करते, फिर तुम यहाँ पे क्या आयो, क्यों तुम्हारा न्यू बेट लगा हुआ है क्या। इस साथ मिस्टर गु बोलता है कि वो सब पास्ट में था, तुम उसको क्यों नहीं भूल जा रही हो। सैन मैंने बोलता है कि वैसे भी पहले ये बोल रही उसका बॉयफ्रेंड है फिर बोली शादी शुदा है, ये पक्का मुझे अनॉइंग कर रही है। मिस्टर सैन बोल रहा होता तो हमारी गुस्सा कहां से चली जाती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर लू और सैन खाना खा रहे होते। तभी मिस्टर लू बोलते हैं क्या हुआ, तुम अनहैप्पी हो क्या। तो सैन बोलती है मैं कोई भी अनहैप्पी नहीं हूँ। तो मिस्टर लू बोलते हैं किस लिए, पैसेंजर वाला सीट तुम्हें डेकोरेशन पसंद नहीं आया। तभी सैन बोलती क्या वो सब मेरे लिए था। सैन बोलती कि मुझे कुछ और ही लगा था। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था। तो सैन बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपनी बिलोवेड गर्ल के लिए सब करके रखे हो, से तुम प्यार करते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग का शादी हो चुका है, हम लोग का शादी के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आएगा। सैन बोलती कि वैसे भी हम लोग का तो एग्रीमेंट वाला मैरिज है ना। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वाला मैरिज नहीं है, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले तुमसे क्या बोला था। सैन बोलती कौन सा बात। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैंने तुम्हें शादी से पहले बोला था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो भी है मुझे रियल मैरिज करना है। बस सुनने के बाद हमारी बोलती कि मैं पर ट्राई करूंगी, वहां से चली जाती है। देखते हैं हम लोग हमारे हीरो जा रहा होता है। तभी मिसेस सैन बोलती है कि मिस्टर लू आज हम लोग साथ सोते हैं। फिर बोलती कि मेरा मतलब है कि मैं सोफा पे सोती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ क्योंकि तुम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं सोते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि उनकी प्रीसियस डॉटर इन लॉ सोफा पे सोई है तो उनका कैसा रिएक्शन होगा। बात पे सैन बोलती है तो क्यों नहीं हम लोग बेड शेयर कर ले। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या सियोर हो। इस बात पे सैन बोलती हाँ। फिर मैंने बोलती है कि मुझे भी चिप तो बढ़ाना होगा ना मैरिज की तरफ, क्यों नहीं मैं ट्राई करती हूँ। ये सैन इमेडली सो जाती है और लाइट ऑफ करने लगती है। फिर मिस्टर लू बेड पे सोता है और मन्ने बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा सैन, जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तब तक। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारा हीरो बोल रहा था कि शादी के बाद हम लोग का यही घर होगा। बोला था कि यहाँ पे बहुत सारा हाउस है, तुम्हें जो भी पसंद आएगा, तुम्हें जो भी सेटिस्फाई होगा वो वाला तुम चूज कर लो। सैन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, वही ठीक है। मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस लू तुमने मुझसे शादी किया, तुम्हें अपना लाइफ फुल इंजॉय करना होगा। सैन बोलती है थैंक यू। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं। तो मिस्टर गु उसका फ्रेंड देख लेता था, उसका फ्रेंड बोलते थे सैन है ना। तो मिस्टर गु भी सैन को देखते हैं। मिस्टर गु बोलता है कि मुझे पता करके बताओ कि ये बंदा कौन है जिसके साथ सैन प्यार करती है। के बाद सैन जब अंदर जाती है तभी मेड आती। फिर मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी ये घर की मेड है, अगर तुम्हें इससे कुछ भी हेल्प लगेगा तुम बोल देना और तुम शर्माना नहीं। वैसे मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पर। तभी सैन मैंने सोचती है कि मेरा खुद का फैमिली है और इतना लविंग हस्बैंड है,
और मिस्टर लू को बोलती है कि सेफली जाना। स्माइल करके मिस्टर लू को जेन पूछती है कि कब तक आओगे, तो मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस लू को ये जानना है कि मैं कब आऊंगा, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। इस ड्रामा में हमारा मेल लीड एक बार भी हमारे यून का नाम नहीं लेता, उसे मिसेस लू ही करके बुलाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे यून को मिस्टर लू का कंपनी में ही काम मिलता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर लू कब तक आएंगे, कि इसको हमारे यून बताए थे कि बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। काम समझाने लगती है तभी उधर से मिस्टर लू आता है। तभी सेन मिस्टर लू को देखती है और बोलती है कि मिस्टर लू कब आए। तभी उसको काम रहता है मिस्टर लू को चेयर लोग से बचा कर लेके जाना। तो मिस्टर लू सेन को देख के बोलते हैं क्या कॉन्सिडेंट है मिसेस लू। तो मिस्टर लू को सेन बोलती चुप रहने के लिए, फिर जा रहा होता है। फिर से मिस्टर लू मिसेस लू बोलते हैं तो हमारे बोलती है कि धीरे बोलो। फिर मिस्टर लू बोलते क्या हुआ, मिसेस लू मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ओ हाँ, तुम तो काम कर रही हो तो मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करोगी। सेन बोलते है कि मिस्टर लू ऐसे क्यों बात कर रहा है। फिर हमारी गिरने लगती है तो मिस्टर लू बोलते संभल के उसको पकड़ता है और बोलता है कि मिसेस लू मैंने आपको कहा था ना केयरफुल रहिए। उन दोनों का क्लोज वाला फोटो मिस्टर गू का जो फ्रेंड होता है ठरकी फ्रेंड वो क्लिक कर लेता है। जाता है मिस्टर गू के पास और बोलता है कि मुझे पता चल गया सेन किसके साथ है। तो मिस्टर गू बोलता है किसके साथ है, बोलता है मिस्टर लू के साथ। ये सुनने के बाद गू पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो गू बोलता है कि वैसे भी लू फैमिली हाई स्टैंडर्ड का है, मुझे नहीं लगता कि रीच कर पाएगी सेन मिस्टर लू को। का फ्रेंड बोलता है कि तुमको तस नहीं हो रहा है, फिर उसको फोटो दिखाता है। तो मिस्टर लू और सेन का साथ ही फोटो देखकर मिस्टर गू यही बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मिस्टर लू बॉय है, पक्का हुआ सेन के साथ प्ले ही कर रहा होगा। बोलता है कि शायद तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद मिस्टर गूल सेन को मैसेज करता है कि तुम्हारा मिस्टर गूल के साथ क्या रिलेशनशिप है, पर उसको ब्लॉक की हुई थी तो मैसेज नहीं जाता। ये देखकर मिस्टर गू तो और गुस्सा करने लगता है। मिस्टर गू का फ्रेंड बोलता है क्या सेन अपने आप को मिसेस लू समझ रही है। इसके बाद मिस्टर गू अपने फ्रेंड से फोन मांगता है और हमारे यून को कॉल करता है और बोलता है तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारा मिस्टर लू के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरा फ्रेंड तुम मिस्टर लू के साथ देखा है। इस बात पे सेन बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड है। तो मिस्टर गू बोलता है क्या मिस्टर लू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें पता है मिस्टर लू कौन है और तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें साथ प्ले कर रहा है। ये बात सुनने के बाद हमारी इमीडिएटली फोन कट कर देती है। मिस्टर लू गुस्सा करने लगता है, फोन तोड़ने के लिए जाता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि यार ये मेरा फोन है। तो फिर मिस्टर गू छोड़ देता है। जा रहा था तभी मिसेस सू आती है मटक मटक के, पर हमारा सेकेंड मेन लीड मिस्टर गोस को इग्नोर के चले जाता है। इसी तरफ हमारी हीरोइन फोन करके के इमीडिएटली जाने लगती है तो मिस्टर लू से टकरा जाती है। तो मिस्टर लू बोलते क्या हुआ, इतनी डरी हो क्यों, ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी गलत पर्सन का फोन पिकअप कर लिया है। सेन बोलते है कि तुमने सुन लिया, वो एक्सप्लेन करने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। इसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और मिस्टर गू के साथ जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है कोलैबोरेशन रहता है सबको खत्म करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ का स्टाफ आ जाता है, बोलता है कि मिस्टर लू ये कौन है। तो हमारे हीरोइन को मिस्टर लू इंट्रोड्यूस कराते कि मेरी वाइफ है। तो बंदा जो स्टाफ रहता है बोलता है कि मिसेस लू है। तभी उधर से मिस्टर गो और उसकी गर्लफ्रेंड सू आती है। तभी सू बोलती है ओ रियली मैं हंगअप कर रही है सेन मिस्टर लू के साथ। मिसेस सू मिस्टर गो का संग चिपकने के लिए जाती है तो मिस्टर गो उससे हाथ झटक देते हैं और सेन के पास पहुंच जाते हैं। उसको हाथ टांगते अपनी तरफ करते और बोलते कि तुम मुझे बताओ तुम इस बंदे के साथ शादी नहीं की हो ना। इस बात पे सेन बोलते है कि मिस्टर लू मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि मेरा शादी हो चुका है, तुम ही थे जो तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे। मिस्टर गो बोलता है कि तुम इससे प्यार करती, जानता भी तुम्हें क्या पसंद है। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर गो तुम मुझे एक एक्सेसरी समझते थे, मैंने एक बेटर मैन ढूंढ लिया तुमसे 1000 टाइम बेटर। अब वैसे भी तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका है फिर भी तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। वो हाथ छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन मिस्टर गू हाथ नहीं छोड़ाता। तो मिस्टर लू उसको एक घूसा मारता और बोलता है कि मेरी वाइफ ने जो तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया। मिस्टर लू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, ये बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। फिर सो मिस्टर गू को क्लोज जाती है तो मिस्टर गू उसको झटक देता है। इसके बाद उसके पास डैड का कॉल आता है। जब अपने डैड के पास जाता है तो उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि उसका डैड बोल रहा था कि तुमने कैसे ऑफेंड कर दिया मिस्टर लू को, कि हमारे साथ जितना भी कोलैबोरेशन थे और कॉन्ट्रैक्ट थे सब कुछ खत्म कर दिया है। और मिस्टर गू का डैड मिस्टर गू को अच्छा खासा डांट लगाता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जब घर जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट देखती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था तो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आ गया। सेन बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम इतना सारा गिफ्ट देख रही हूं तो मुझे कुछ ज्यादा ही टच हो गया हार्ट में, मुझे डर लगता है कि जो भी अभी मेरे पास से कहीं खो ना जाए जैसे मिस्टर लू ने किया था, सब कुछ देखकर मुझे छीन लिया। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। तो लू बोलता है कि मैं भी और तुम्हारा गिफ्ट कभी डिसअपीयर नहीं होंगे, वो बोलकर हक कर लेता है। इसके अलावा हमारी गिफ्ट देख रही होती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मैं ट्रिप से आके बहुत थक गया हूँ। तो मिसेस लू मैं क्या करूँ, मैं सो सकता हूँ। सेन बोलती है कि बहुत सारा रूम तो है मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलते है क्यों मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा, वो जाने का नाटक करता है। तभी सेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। फिर मिस्टर लू सो जाता
आता है बेड पे और शंकर बोलते हैं सोने के लिए, तो दोनों साथ में सोते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी हिरन स्कूल जाती है, स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज आती है। अपने फ्रेंडों से बात कर रही थी और मिस्टर लू का मैसेज का जवाब दे रही थी, तभी इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया, और तुम अपने हस्बैंड से बात कर रही हो, मतलब वो लोग उसको टीज कर रहे होते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपनी फ्रेंडों के साथ खाना खाती और कुछ सारी ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू पार्टी में रहता है, उस पार्टी में मिस्टर लू भी रहती है और मिस्टर गो भी रहता है। तो गो मिस्टर लू को वाइन टोस्ट करके बोलता है कि मैं पहले के लिए अप्रोजाई करता हूँ। मिस लू कुछ ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करती है, तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट रोक देता है। तो मिस लू गुस्सा करने लगती है कि तुम हो कौन मुझे रोकने वाले। तभी मिस्टर गो बोलता है शांत रहने के लिए मिस लू को। तभी मिस्टर लू के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है सेन का और बोलती है कि सेन ड्रंक हो गई है। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं अभी अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। वो बोलकर चले जाता है। इस बात पे मिस लू बोलती है गो से कि तुम क्या अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर गो गुस्सा होकर चले जाता है। क्या मिस्टर लू अपनी वाइफ को पिकअप कर लेता तो उसके फ्रेंड लोग बाय बोलकर चली जाती है। फिर मिस्टर लू उसको पकड़ा हुआ था, तभी सेन बोलती कि दूर रहो मुझसे, मेरा शादी हो चुका है, मैं शादी से दाओ तो मुझे ऐसा टच नहीं कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू स्माइल करता है और रिंग दिखाती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है। तो बोलती है मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर लू है। उन दोनों का क्लोज देख लेती है मिस लू और अपने बंदे को कॉल करती है। अब बोलती है कि एविडेंस इकट्ठा करो मिस लू का और मिस्टर लू का कि उन लोगों का क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट डे सेन जब उठती है तो मिस्टर लू से पूछती है कि कल रात को मुझे किसने ड्रॉप किया था। चलू बोलता है कि मैंने तो नहीं किया था। सेन डर जाती है। फिर मिस्टर लू हंसते हुए बोलता है कि मैंने ही किया था। तभी सेन बोलती है कि मैं ड्रंक की हालत में ऐसा तो कुछ हरकत तो नहीं की। तो मिस्टर लू बोलता है कि नहीं ऐसा तुमने तो कुछ नहीं किया, पर नेक्स्ट टाइम से इतना ड्रंक मत होना। इसके बाद सेन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मैं ड्रंक की हालत में कुछ ऐसा तो नहीं की। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं तुमने बस इतना बोला कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। वो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज दूंगी। तो उसकी फ्रेंड ऑल द बेस्ट बोलती है। इसके बाद मिस्टर लू ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट पहुंच जाता है और बोलता है कि सर मिसेस लू ने इंटरव्यू देने के लिए आई है कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट में। तो इस बात से मिस्टर लू बोलती है ओके। नेक्स्ट दिन देखते हैं हमारे इंटरव्यू के लिए जाती है तो अपन मिस्टर लू को देखती है। तो मन्ने बोलती है कि इतना छोटा इंटरव्यू के लिए स्मॉल ड्रेस के लिए प्रेसिडेंट आए हुए हैं। फिर क्वेश्चन पूछा रहा था, बहुत अच्छी तरह से जवाब देती है। मिस्टर लू तो सेन को ही देखे जा रहा था। फिर वहाँ के जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग बोलते हैं कि आप वेट कीजिए आंसर का, बोलकर वहाँ से आर्यन चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे जितना भी इंटरव्यू दे रहे थे वो बोल रहा था कि वैसे भी मिस्टर लू यहाँ पर आए थे ओनली इस गर्ल के लिए। वैसे भी मिस्टर लू उसको देख के स्माइल पास किए जा रहे थे, मुझे लगता है कि उनसे बहुत सेटिस्फाई है। फिर वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। वो जा रही होती है तभी एलिवेटर में मिस्टर लू पहुंच जाते हैं। बोलते कि मिसेस लू तुम क्या मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। मॉरियन बोलती कि मिस्टर लू क्या मुझे सेलेक्ट कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा एंबैरेसिंग है ना। तो मिस्टर लू हमारे इनको बोलते कि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंट नहीं है। बोलते तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता। ओके भी नहीं कर सकता। तभी हमारी उन पकड़ती और मिस्टर लू को चिक पे किस करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिसेस सेन और उसके फ्रेंड दोनों मिलकर शॉपिंग कर रही थी और मिसेस सेन अपनी फ्रेंड को सारा बात बता रही होती थी। वहाँ पे मिस्टर गो और सू भी चली आती, उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है, हमारी उन इग्नोर की जा रही होती है। उसके बाद मिसेस सू मिस्टर गो को एविडेंस देता है कि वो लोग साथ है, वो लोग हस्बैंड वाइफ है। लेकिन मिस्टर गो गुस्सा करता उसे एंगेजमेंट ही ब्रेक करके वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी यून को एक्सेप्ट कर लिया गया था इंटरव्यू। इसके अलावा हमारी हिरन कंपनी जाती है ज्वाइन करने के लिए और फ्लैशबैक को याद करती है कि मिस्टर लू से हमारी हिरन रिक्वेस्ट की थी कि उन लोग का रिलेशनशिप पब्लिक ना किया जाए। तो मिस्टर लू बोलता है ओके। अभी उसी ऑफिस में एक कलीग मिल जाती है जिसका नाम टॉम रहता है। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं, टॉम और सेन। फिर टॉम बोलते हैं कि आज रात को पार्टी में क्या मिस्टर लू आएंगे। इस बात पे सेन बोलती है कि मिस्टर लू के पास तो बहुत सारे काम होंगे ना। फिर वो लोग डिनर पार्टी कर रहे होते तभी मिस्टर लू आ जाता है। तभी टॉम सेन को बोलती है कि फाइनली मिस्टर लू इस पार्टी में आ गए हैं। तो सेन बोलती है कि मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। इसके बाद मिस्टर लू हमारी इनको मैसेज को पूछता है कि आज का इंटर्नशिप डे कैसा रहा, उनको रिप्लाई नहीं करती। फिर मिस्टर लू बोलता है कि डिस ट्राई करो अच्छा, उसको दे रहा था हारी होती है। अब मिस्टर लू रिप्लाई पे मैसेज पे मैसेज किया जा रहा था। ट्रॉन्ग फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर लू का जो साथ में बैठा था बोलते कि तुम किसको इतना टेक्स्ट कर रहे हो। तो बोलते मेरी वाइफ। फिर सेन को सॉफ्ट हो जाता है। फिर हमारी मन में बोलती है कि मिस्टर लू अनाउंस ना कर दे कि मैं इसकी वाइफ हूं। तो मिस्टर लू बोलता है कि मेरी वाइफ को लो प्रोफाइल रखना चाहता पसंद है। सेन ड्रिंक कर रही तो मिस्टर लूस को मैसेज करता कि जा ड्रिंक ना करे। एक कलीग सेन को बोलता है जाके वेटर को और भी ऑर्डर देने के लिए, तो वहाँ से चली जाती। जब वो बाहर निकलती है वेटर को ऑर्डर देने के लिए तभी वहाँ पे इसके डैड आ जाते हैं। बोलते हैं सेन तुम कैसी हो, वैसे भी तुम तो मुझे भूल ही गई हो। इस वक्त सेन बोलती है कि डैड आपको क्या हुआ। तभी मिस्टर
सर, उसके डैड बोलते हैं कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुका है, तुम प्लीज बात करो मिस्टर लू को कंपनी में हेल्प करने के लिए। तो सर मना करती है क्योंकि उसका ऑलरेडी सब कुछ कट ऑफ हो चुका था उसके डैड से। लू उसके डैड को ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और हमारे इनको बहुत गलत शरत बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हें रेस किया पर तू अपने डैड को कैसे भूल सकती है। तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्लीज आप लोग जाए यहाँ से। आर्यन को अच्छा खासा सुना कर चले जाते हैं। तभी मिस्टर लू हमारे को मैसेज करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर लू बास्केटबॉल खेल रहा होता है और हमारे यन को भी सिखा रहा होता है अपना गोल को किस तरह अचीव किया जाए। जब तक वो अचीव ना होता है वहाँ से फोकस कभी भी नहीं हटाना चाहिए। जब तक तुम कस नहीं हटाओगे तुम कभी भी हार नहीं सकती। अगर तुम्हारा फोकस हट गया तुम तुरंत हार जाओगी। चक्कर वालों को ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लू सेन को बोलता है कि मिसेस लू मैंने तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाया, तुम मुझे क्या ट्यूशन फीस नहीं दोगी। तो सेन बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर लू अपने चीक पे बोलते किस करने के लिए, लेकिन हमारी मिस्टर लू के लिस्ट पे किस करती है और वहाँ से दौड़ के चली जाती है। चलो पकड़ रहता है, बोलते कि अभी नहीं। इसके हम लोग को दिखाया जाता है हमारी स्कूल से वापस जा रही थी, सॉरी कॉलेज से। तभी वहाँ पे मिस्टर गु चले आता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सेन बोलती कि मैं संभाल लूंगी और मिस्टर गु को बोलती कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूंगी तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। लू बोलते कि तुम्हारा डैड बैंकक्रप्ट हो गया, तुम अगर मेरे पास वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें करूंगा। वैसे भी मैं पहले गलत था कि मुझे बेड कबाब नहीं करना चाहिए था, पर अब मुझे रियलाइज हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस बात पे हमारी बोलती कि मैं डैड बैंकक्रप्ट इसलिए बिकॉज मैं चाहती थी। मैं तुम्हें दोबारा बोलूं मेरे सामने मत आना। ऊपर को चली जाती है। इसके बाद सेन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है मिस्टर गु के बारे में। फिर बोलती है कि उसके बात मत करो। फिर बोलते कि मिस्टर लू के साथ तुम्हारा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तभी हमारी बोलती है कि मैं मिस्टर लू को लाइक करती हूँ पर मुझे कुछ दिन से इग्नोर कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर लू किसी अनदर गर्ल पर उसका क्रश है। सेन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे ही तुम मिसेस लू हो, तुम अपने हस्बैंड को भी सर्विस नहीं कर सकती हो। तो बोलती है कि तुम चाहती हो कि मैं अपने हस्बैंड को कन्फेस करूं। तो बोलती है ऑफ कोर्स, ये बॉय कर सकते, गर्ल्स भी तो कर सकती है, तुम करो। मिस्टर लू आते हैं तो बोलते क्या होते है? कुछ नहीं, वैसे भी रूम बहुत ज्यादा हॉट है ना इसलिए रूम को देख रहे थे। तो मिस्टर लू बोलते ये बात है। बोलती हाँ। बोलते कि चलो हम डिनर कर लेते हैं। तो बोल ओके। कि हमारा हीरो और हीरोइन के मोबाइल पे मैसेज आता है कि उनकी सिस्टर मिस्टर लू की उन लोगों को हॉट रिंग में बात लेने के लिए बोल रहा था। तो हमारी उन्होंने सोचते है कि अच्छा मौका है मिस्टर लू को सेड्यूस करने का, वो रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर लू की सिस्टर सेन को और स्प्रिंग बात के लेके जा रही होती है। बोल रही होती है कि वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि मेरा ब्रदर तुम्हें देख के लट्टू हो जाएगा। उधर से मिस्टर लू आता है और हमारी हिरन को देख के सीधा खुश हो जाता है बिकॉज ब्यूटीफुल लगी रही थी। उसके बाद मिस्टर लू सेन को बोलता है कि क्या खाओगी बोलो, मैं ऑर्डर कर देता, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। सेन बोलती है कि तुम्हें क्या खाना है, इतने बार मिस्टर लू की सिस्टर नहीं रहती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मेरी सिस्टर स्मार्ट है इसलिए चली गई। हमारी बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना इस कपड़े में। तो मिस्टर लू हाँ बोलता है। फिर बोलते कि चलो हम लोग हॉट स्प्रिंग बात लेते हैं। तभी मिस्टर लू सेन को पकड़ लेता है। मिस्टर लू सेन को किस कर रहा था, किस करते हुए अचानक से रुक जाता। तभी सेन मन में सोचती है क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मिस्टर लू क्या मेरे ऊपर मेरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। फिर मिस्टर लू को किसी अनदर गर्ल से प्यार है। तभी हमारी बोलती है कि हम लोग हॉर्स स्प्रिंग करने के अलावा कुछ कर सकते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होता है, तुम क्या करोगी। तो सेन हाँ बोल देती है, बोलती की अनदर चार्ज। उसी तब देखते वो लोग हॉर्स राइडिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर लू का कॉल आता है इमरजेंसी, तो कॉल पिकअप करने के लिए चला जाता है। उसी डेस्क पे मिस्टर गु का वही ठरकी फ्रेंड और उसके और लोग भी फ्रेंड होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और सेन को के बोलते हैं कि तो बहुत गर्ल बोलते थे फैमिली आ रहा है। तभी मिस्टर गु का जो फ्रेंड होता है बोलता है तो मिस्टर गु की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मिस्टर गु का फ्रेंड और उसका और भी जो थर्की फ्रेंड होता है हमारे उनके पास पहुंच जाता है, उसका इंसल्ट कर रहा होता है। तभी हमारी उन बोलती है कि मैं शादी शुदा, वो रिंग भी दिखाता है। तभी मिस्टर गु का जो फ्रेंड होता है बोलता है कि तुमने किसके संग शादी की है। सेन मन में बोलती है कि मैंने ही मना किया था मिस्टर गु को ऑफिशियली करने के लिए, मैं अभी कैसे एक्सपोज कर दूं, वो लोग इसका इंसल्ट कर रहे थे। तभी वहाँ के प्लेस के ऑनर होते हैं मिस्टर शाह, वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मिस्टर गु का फ्रेंड देख के बोलता है कि हेलो सर। मिस्टर शाह बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, तुमको उसको ऑफेंड नहीं करना चाहिए। वो देखता है सेन को तो बोलते है सिस्टर इन लॉ। तभी सेन बोलती है कि तुम मुझे जानते हो। तो मिस्टर साहब बोलता है कि हाँ तुम मेरी फ्रेंड की वाइफ हो, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ही हुई ना। मिस्टर गु का फ्रेंड बोलता है कहीं ये की वाइफ तो नहीं है ना। फिर पूछता है कि तुम किसकी वाइफ हो। तब उधर से आता है मिस्टर लू, बोलती है कि मेरी वाइफ है मिसेस लू। मिस्टर साहब बोलता है कि तुम पूछ रहे थे, मैं अब तो देख लो मिसेस लू है। कल मिस्टर गु का फ्रेंड मिस्टर लू से बहुत ज्यादा माफी मांगने लगता है, बोलता है कि मैं ब्लाइंड था, मैंने इनको ऑफेंड किया, ये आपकी वाइफ है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें माफ करता हूँ पर नेक्स्ट टाइम से मेरी वाइफ के आसपास मत आना, बोल के सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है।
इसके लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। सैन बोलती कि मुझे नहीं आता, तो मिस्टर लू बोलते कि मैं सिखा देता हूँ। फिर लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। सैन कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर मिस्टर लू को बोल रही होती कि वैसे भी हॉर्स बहुत जेंटलमैन है, बिकॉज वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। मिस्टर लू हेल्प कर रहा था उसको हॉर्स राइडिंग कराने में। उन लोग का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, तो मिस्टर लू टीस करते हुए अपनी वाइफ सैन को बोलते हैं कि मिसेस लू अगर तुमको बात करना तो बात करना, मैं एडवांटेज क्यों ले रही हूँ। इस बात पे सैन बोलती है कि वैसे भी मैं अपने हस्बैंड का ही एडवांटेज ले रही हूँ। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुमने क्या बोला, दोबारा बोलना जरा। तो बोलती हस्बैंड, फिर बोलती दोबारा बोल, तो बोलती हस्बैंड। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मिसेस सैन मिस्टर साओ के साथ डिनर कर रही होती है, क्योंकि मिस्टर लू का फ्रेंड रहता है। मिस्टर साओ बोलता है कि तुम लोग अपना लव स्टोरी बताओ। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि जब मैं अब्रॉड से वापस आया था, सैन का गर्लफ्रेंड था, बहुत मुश्किल से उनका ब्रेकअप हुआ, इसके बाद मैंने इसके संग शादी कर लिया। तभी मिस्टर लू के पास कॉल आता था, वहाँ से चला जाता है। और हमारे मतलब यही सोचती है कि मिस्टर लू ने बहुत अच्छा स्टोरी बनाया। मिस्टर साओ बोलता है कि सिस्टर इन लॉ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता, वैसे भी तुम जो सोचते हो कि मिस्टर लू बहुत ज्यादा रूड है, उनके पास कोई उम्र नहीं, ऐसा बात नहीं। मिस्टर लू सीक्रेटली कॉलेज टाइम में किसी से प्यार करते थे। इसी बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि कौन सा कॉलेज, तो नाम बताता है। तो हमारी हीरोइन बोलती है वैसे भी उस कॉलेज में तो मैंने भी पढ़ा है, पर मिस्टर लू एक साल बड़े हैं मुझसे, तो मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी उनसे मिला है। जो साहब बोलता है कि हमारा हीरो को क्रश था किसी गर्ल पे, तो हमारी हीरोइन जो सेम मन में सोचती है कि मिस्टर लू का किसके ऊपर क्रश होगा, कौन सी इतनी लकी गर्ल है। अभी मिस्टर साओ बोलता है तुम पर, तो सैन बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मिस्टर लू को मुझ पर कस कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर लू आता है, बोलते कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। मिस्टर लू खाना खा रहा होता है, तभी हमारी हीरोइन को भी खिलाता है। तो हमारी हीरोइन सोचती है कि मिस्टर लू सचमुच तुम्हारा क्रश मेरे ऊपर था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर लू अपना वही थर्ड की फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इतना लेट कहाँ हो गया। मिस्टर लू का दूसरा फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी हम लोग का शेयर होल्डर मीटिंग था, कोई भी शेयर होल्डर हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तभी जो थर्ड की फ्रेंड रहता है वो बोलता है कि मैंने आज सैन को देखा था। तो मिस्टर लू वो बोलते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी इनके साथ मिस्टर लू था, और मिस्टर लू हम लोग कंपनी पर इसलिए टारगेट कर रहे हैं। तो मिस्टर वो बोलता है अपनी लवर के लिए। इस बात उसका फ्रेंड बोलता है कि एक्चुअली सैन लवर नहीं, उनकी वाइफ है, वो लोग शादी कर चुके हैं। मिस्टर वो गुस्सा लू बोलते है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मिस्टर लू सैन के साथ कैसे शादी कर सकता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम बिलीव करो या ना करो, उन लोग का शादी हो चुका है। और मिसेस सैन मिस्टर लू से बहुत प्यार करती है। तभी मिस्टर गु बोलता है कि हो ही नहीं सकता, सैन मुझसे इतना प्यार करती हूँ, किसी और के संग शादी नहीं कर सकती है। मिस्टर गु तो मानने को रेडी ही नहीं था। तभी मिस्टर गु अपने दूसरा फ्रेंड से बोलता है कि अभी फोन करो सैन को, बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम उसको लाइक करते हो तो तुम उसे माफी मांगो, क्या किया, वैसे भी खैर छोड़ो, उन लोग का शादी हो चुका है। तभी मिस्टर गु बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ, उन लोग का शादी नहीं हुआ है। फ्रेंड कॉल करो तो कॉल नहीं लगता है। तभी अपना दूसरा फ्रेंड को बोलता है कि अभी पता करो सैन कहाँ है। वहाँ पर मिस्टर गु पहुंच जाता है, सैन का दरवाजा नॉक करता है। तो सैन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर गु। तो मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हारे और मिस्टर लू के बीच में क्या चल रहा है, तो क्या सचमुच शादी कर चुके हो। सैन बोलती है कि मिस्टर गु मैं तुम्हें बहुत बार पहले ही बोल चुकी हूँ हम लोग का शादी हो चुका है, पर तुम अपने आप को डिसीव किए जा रहे हो, बात मानने को रेडी नहीं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर गु बोलता है कैसे कैसे कर सकते हो, तुम उसे लाइक करती हो, मुझे पता है कि मैंने पहले गलती किया था, मैं माफी ही मांगता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट था, पर मुझे बेट के लिए तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था, पर तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम इतना जल्दी किसी और के संग शादी कैसे कर सकती हो। तभी सैन बोलती है कि मिस्टर गु बस बात हो गया, दरवाजा बंद करे तो उसको डांट लगा कर। तभी मिस्टर गु बोलता है कि तुम लोग का शादी होकर तो क्या हो, तुम लोग का तो ब्रेकअप हो सकता है ना, आई मीन डिवोर्स। तो अमार्जिन बोलती है कि तुम्हारा तो फियांसी है ना। मिस्टर गु बोलता है कि मैं उसे ब्रेक कर लूंगा जब मेरे को इनहेरिटेंस मिल जाएगा, फिर हम शादी के साथ रहेंगे। बोलते ही किसी के भी घर में मिडिल नाइट को दरवाजा नॉक नहीं करना चाहिए, ऐसे लगता है कि गु फैमिली का मैं बैंकक्रॉप धीरे धीरे कर रहा हूँ। इस बात पे मिस्टर लू गुस्सा कर रहा होता है। इस बात पे अमार्जिन बोलती है कि मिस्टर गु प्लीज रिस्पेक्ट करो। अब मिस्टर लू सैन को बोलता है अंदर जाने के लिए, वो टेक केयर कर लेगा। इसके बाद मिस्टर गु को अच्छा खासा मिस्टर लू सुनाता और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरी वाइफ के पास आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही किक करूंगा, और दरवाजा बंद कर देता है। मिस्टर गु बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। इस बात पे मिस्टर लू अपनी वाइफ को बोलता है कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना, तुम्हारा हस्बैंड हैंडल करेगा। इस बात पे हमारी हीरोइन मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है, और फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर लू का फ्रेंड मिस्टर साओ बोला था कि तुम पहली उम्र में मिस्टर लू के साथ हो। मिस्टर लू अपना वो कंट्रोल नहीं करता और लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते, तो मिस्टर लू कुछ ज्यादा ही किस कर रहा होता है, तो हमारी हीरोइन कंट्रोल नहीं कर पाती है, लू को रोक देते। अचानक से मिस्टर लू बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं होल्ड नहीं कर पाया, मतलब मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तभी मिस सैन बोलती है कि मेरा परमिशन है, लेकिन मिस्टर लू वहाँ से जा चुके थे। अब मन में बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू को सड्यूस करना बहुत मुश्किल है, हस्बैंड है मेरा पर डिफिकल्ट है, मिस्टर लू के हार्ट में कोई और वुमेन है। जब हमारी हीरोइन ऑफिस में काम कर रही है, तभी उसकी टॉन फ्रेंड बोलती है ग्रेजुएशन फोटो दिखाकर कि जब हम लोग का ग्रेजुएशन हुआ था तब मैंने सुना था कि अगर कोई बंदे तुम्हें पसंद आया तो तुम उसका कैन बटन लेकर तुम जिसे प्यार करती हो अगर उसको दोगी तो हम लोग को तुम्हारा हमेशा ट्रू लव रहेगा, क्योंकि सेकंड बटन हार्ट के पास होता है ना। तभी हमारे
ऑरियन फ्लैश अप याद करती है कि उसने देखा था कि मिस्टर लोअर में वो बटन है। फिर बोलती कहीं मेरा तो नहीं है ना, सोच कर बहुत खुश हो रही थी। और नेक्स्ट वो बैठी थी तभी वहाँ पे मिस्टर लू आते हैं, उसको पेस्ट्री देते खाने के लिए। देख के हमारी खुश हो जाती है और मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है। तभी मिस्टर लू को बोलती मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मिस्टर लू को बैठाती और बोलती है कि मिस्टर लू तुमने क्या सुना है ग्रेजुएशन टाइम, अगर तुम सेकंड बटन किसी से प्यार करते हो उसको दोगे तो उसको तुम हर्ट जीत सकते हो। तो मिस्टर लू बोलते हैं हाँ, इसका तो पूछते है कि तुमने किसी को दिया है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैंने किसी का दिया नहीं पर मैं किसी को लिया हूँ। तो पूछती है तुमने किसका लिया है। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम जलस फील कर रहे हो तो बता दो। तभी हमारी मैम बोलती है ये कुछ ज्यादा ही सोचा, बोलती है कि नहीं मैंने कोई जलस फील नहीं कर रही हूँ, मैं दी थी किसी को। तो मिस्टर लू बोलता है किसको दी थी, मिस्टर गो को। तो बोलती नहीं मैंने उसको नहीं दिया था। पर फिर सेन बोलती है कि पहले मैंने पूछा तुम मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन हमारे हीरो को बीच में कॉल आया तो कॉल पिकअप करने के लिए चले जाता है। आर्यन गुस्सा करती है कि इसने मेरा सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तब उसकी फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है कि तुमने क्या कन्फेस किया। तो बोलती है कि यार मैं कैसे कन्फेस करूँ, तो मौका ही नहीं मिलता है। तो बोलती है कि करो यार अनरीजनेबल ना बनो, कि ओके मैं ट्राई करती हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और मिस्टर लू के रूम में चली जाती है और उसका शर्ट पहन लेती है और बोलती है कि मैं कैसे बोलूँ ये बोलूँ आई लाइक यू मिस्टर लू। तो मिस्टर लू आता है, हमारी फ्रेंड बोलती है क्या मैं इस शर्ट का सेकेंड बटन ले सकती हूँ। फिर बोलती है मिस्टर लू कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी हमारी बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर गु बोलता है क्या मैंने क्या सही सुना, वो मुझे लाइक करती है। फिर जाकर स्मेल करते तो बोलती है कि तुम ड्रंक हो ना। तो बोलती है हाँ मेरी थोड़ी सी पी है। मिस्टर लू बोलता है कि अब सुन ले अगर तुम नॉनसेंस बातें क्या कर रही हो ड्रिंक करने के बाद। तभी सेन बोलती है कि मैं नॉनसेंस बातें नहीं कर रही। फिर मिस्टर लू अपना फोन का रिकॉर्डर ऑन कर देता है और बोलते कि तुम बोलना जरा। तो बोलती मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जब वो किस कर रहे होते हैं तभी हमारा हीरो रुक जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट डे तुम उठ के सब भूल मत जाना वरना मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। मिस्टर लू हमारी हीरोइन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब हमारी हीरोइन उठती है तो वो याद करती है मिस्टर लू के साथ जो नाइट स्पेंड की थी, बोलती है कि फाइनली मैं मिस्टर लू को सजेस्ट करने में सक्सेस हो गई, खुश हो जाती थी। वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं, सो ज्यादा क्लोज जाके बोलते हैं कि तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही हो ना, देखो लिप्स में तुमने ही पाइट किया है भूलो मत, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि नहीं मैं जा रही हूँ। फिर मिस्टर उसको पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कल तुम ड्रंक थी, तुम सब कुछ भूल चुकी हो, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। तभी सेन बोलती है कि तुम क्या रिपीट करना चाहोगे। तो मिस्टर लू बोलता है किस, और तुमने बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता। तो बोलती है कि नहीं मुझे याद है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डे ऑफिस आती है, तभी उसकी लीक टांग दिखाती है कि देखो मिस्टर लू सुबह सुबह पोस्ट किए कि उनकी लविंग वाइफ को किस किए, देखो उसका लिप्स भी बाइट हुआ है। हमारी मैंने सोचती है कि मिस्टर लू क्या हम लोग का रिलेशनशिप ऑफिशियली कर देगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले से ही लाइक करता है। तो तब मिस्टर गो को देखते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट आती है बोलती है कि सर आपसे मिस्टर सेन मिलने के लिए आए हैं। फिर वो अंदर आता है। उसके बाद मिस्टर सेन हमारी हीरो को सेकंड मेन लीड मिस्टर गु को बोलते हैं हेल्प करने के लिए। इसे तो मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हारी बेटी तो मिस्टर लू के साथ शादी की है, तुम्हारा इतना अच्छा सही लॉ है, तुम उससे हेल्प ना मांग कर मेरे पास क्या करने आए हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को ट्रेड किया एक लाइन के लिए। तभी मिस्टर गु बोलता है कि मतलब तुम्हारी बेटी शादी नहीं की है मिस्टर लू के साथ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाउस रजिस्टर तो मेरे पास, वो कैसे शादी कर सकती है। इसके बाद मिस्टर सेन और उसका मिस्टर गु के साथ कोलैबोरेट कर लेता है, बिकॉज वो दोनों मिलकर हमारा हीरो और हीरोइन को करने वाले थे। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर लू के पास उसका असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि सर आपकी वाइफ के बारे में इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रूमर्स है जिसके से बहुत बैड कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद मिस्टर लू अपनी वाइफ के पास चले जाता और उसको बोलता है कि तुम बैड कमेंट और बैड रिव्यू को ना देखो इंटरनेट पे। इस बात पे हमारी बोलती है कि कौन सा बैड कमेंट और बैड रिव्यू, मेरा एक्चुअली स्कूल से आई क्योंकि मेरे को एली में बहुत पेन हो रहा है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि स्लेपियर्स की वजह से। तो बोलती है हाँ। फिर बोलते हैं कि मैं अभी रब कर देता हूँ। तो सेन तो मना करती है, फिर भी मिस्टर लू करते हैं। मिस्टर लू के पास कॉल आता है कि ये सब फोटोज पब्लिक में पोस्ट करने कोई और नहीं मिस्टर गु और सेन रहता है। मिस्टर गु अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मिसेस लू। तो बोलती है बोलो। तो मिस्टर लू बोलता है क्या हम लोग का रिलेशनशिप में पब्लिक कर दो। तो सेन बोलती है रूमर्स की वजह से। मिस्टर लू बोलते है कि ओके मैं नहीं करूंगा। तभी सेन बोलती है कि तुम कर दो, वैसे भी मैं मौका ढूंढ रही थी पब्लिक करने का। उसी तक मिस्टर गु सेन पर गुस्सा करवाता कि मैंने बोला था ये फोटो पोस्ट करने के लिए सारा टारगेट जाए मिस्टर लू के ऊपर, उसका रेपुटेशन बर्बाद हो, पर सारा टारगेट चले गया सेन के ऊपर और सेन को सब बैड कमेंट जा रहे हैं। मिस्टर लू की असिस्टेंट आती है, बोलती है कि सर आपको देखना चाहिए मिस्टर लू ने एक स्टेटमेंट पोस्ट किया। जब वो स्टेटमेंट देखा जाता है तो वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट रहता है सेन का और मिस्टर लू का। इस बात पर मिस्टर लू गुस्सा करता है मिस्टर सेन पे कि उसने झूठ बोला था कि उन लोग का शादी नहीं हुआ, उसको वहाँ से निकाल देता है। और हमारा मेन लीड बोलता है कि वैसे भी शादी उस दिन के जिस दिन मैं ब्रेकअप हुआ तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ मिस्टर लू और सेन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे वो पोस्ट देखकर और अच्छे कमेंट पढ़कर। फिर मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें आज तक ऑफिशियली डेट नहीं किया, तो हम लोग कल डेट पे जाएंगे। इस बात पे
कन्वर्सेशन रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ सन जब ऑफिस जाते हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कराते हैं। जो कलीग जो ऑफिस से उसकी फ्रेंड टोंग रहती है उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, उसे बात भी नहीं करती। इस बात पे हमारे इनको बहुत बुरा लगता है। फिर अपनी फ्रेंड को मनाती है तो टोंग नाटक कर रही थी, बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि सीईओ की वाइफ मेरी फ्रेंड है। बात पे हमारी इन बोलती है कि मुझे मिस्टर लू के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो बोलती ओके साथ में चलेंगे। फिर वहाँ पे जाती है, जो रोज होता है रोज का ब्रांच लेती है। वो बोलती है कि मिस्टर लू को मैंने टैटू देखा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारी हीरोइन मिस्टर लू के साथ ऑफिशियली डेट पे जाती है। डेट पे जाता है तभी हमारी हीरोइन को डॉगी मिलता है, उसका नाम रखती है, अपने साथ घर लेके आ जाती है। जब वो सोने के लिए जाती है डॉगी उसके साथ रहता है, तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास डॉगी आ गया तुम अपने हस्बैंड को ही भूल गई। मिस्टर लू डॉगी को लेते हैं बाहर रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। तभी हमारी हीरोइन उसको गिफ्ट देती है, लू के लिए ली थी। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम ये रोज बोला, तो बोलती कि मैंने तुम्हें टैटू देखा था। तो मिस्टर लू बोलते ओ तुमने मेरा अपर पार्ट देखा था, तो बोलती कि मैं थोड़ा सा ही देखी थी। इसके हमारी बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हें रोज वाला ही क्यों पसंद है। तो मिस्टर लू फ्लैशबैक में याद करता है कि जो फर्स्ट टाइम हमारी हीरोइन को देखा था उसका बर्थ में रोज वाला ही बर्थ मार्क था। उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर लू तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं टैटू पार्लर जा रहा हूँ, तभी वो टैटू बनवाया था। पाजिन बोलती है कि तुम बताए नहीं प्रेजेंट में। तो मिस्टर लू बोलता है कि सही टाइम पड़ने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। सेन बोलती है कि तुम अभी बता दो ना। तो मिस्टर लू बोलता है कि अभी सो जाओ। और इस बात पे हमारी मम्मी बोलती है क्या सच में मिस्टर लू उस गर्ल का तुम्हारे ऊपर क्रश था, मैं बहुत जलस फील कर दी हूँ कि तुमने पूरा यूथ अपना उस गर्ल के पीछे बर्बाद कर दिया। और इनको पता नहीं था कि जिससे वो प्यार करता वो वही थी। उसके पास मैसेज आता है कि क्लास यूनियन का, फिर एग्री हो जाती है। सब कारण कोई और नहीं मिस्टर गू रहता है। जब वो अपना लगेज लेके जाती है उस होटल में तो वहां पर मिस्टर गू रहता है। उसकी फ्रेंड बोलती है सेन की कि तुमसे कोई भी बात नहीं करेगी। तभी सेन बोलती है कि मैं बात करूंगी मिस्टर गो से, तुम बाहर वेट करो। तो बाहर वेट करती है। मिस्टर गो बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती हो। तो सेन बोलती है कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं जब तुम्हारे मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत था। तुमने क्या किया, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया। मैं देखो मिस्टर लो मेरे को कितना अच्छा ट्रीट करता है, मेरे को समझता है, मुझसे प्यार करता है। अब बाहर खड़ा होकर मिस्टर लो उसका बात सुन रहा होता है। सेन बोलती है मिस्टर गो से कि तुम उसका कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम उसको कितने से जानती हो। तो बोलती है कि मैं जितना दिन से जानती हूं पर बहुत अच्छा है। उसको बाहर निकल देता है। मिस्टर लू को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं यहाँ पे आया था मिसेस लू को सरप्राइज देने के लिए, पर मैं ही सरप्राइज हो गया तुम्हारा बात सुनकर। वो लोग साथ में चले जाते हैं। तो बोलती है तुम्हारा बिल्डिंग है। तो मिस्टर लू बोलता है कि ये हमारा होटल है। इसके मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर गू पर ड्रिंक कर रहा था, मिस सू जाती है, बोलती कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। तो मिस्टर गू बोलते निकल जाए यहाँ से। तो मिस सू गुस्सा कर निकल जाती है। इसी तरफ हमारी हीरोइन को मैसेज किए जा रहे थे इसके फ्रेंड की, अच्छा मौका है मिस्टर लू को और भी सड्यूस करने का, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, गिव अप मत करना। तभी उधर से मिस्टर लू आते हैं, बोलते क्या हुआ तुम रेडी हो। तो नहीं नहीं मुझे शावर लेना है। तभी बाहर से मिस सू बोल रही थी कि सेन तुम इतनी अच्छी तो हो नहीं सकती हो, तुम्हें मिस्टर गू भी चाहिए और मिस्टर लू भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके पास कॉल आता है किसी का, बोलते है कि मैम आप जिस लेडी का इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी मैंने उसको आपको मॉल पे सेंड कर दिया है। तो इविलुला स्माइल देती है। दूसरी तरफ हमारी बहुत नर्वस होती है, बाथरूम में चली जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, यून वही कॉल है जिसका मिस्टर लू का यूथ में पूरा क्रश था और अभी भी है। पढ़ने कॉल हमारी यून बहुत ज्यादा रोने लगती है कि मिस्टर लू को इसी गर्ल पे क्रश था, पार पे जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर यू आ जाती है यून और बोलती है कि हेलो मिसेस सेन, तुम तो मुझे जानती हो कि मिस्टर लू मेरे ऊपर लट्टू है, मुझसे कितना प्यार करता है, तो तुम्हें ऐसे सब्सिट्यूट के तौर पे भी रखा है, इसलिए मैं अब्रॉड इसलिए थी बिकॉज मैं बीमार थी, अब मैं रिकवर को वापस आ गई, तो मिस्टर सेन तुम्हें मिस्टर लू को डिवोर्स लेना होगा। तभी वहाँ मिस्टर लू की सिस्टर आ जाती है। मिस्टर लू से बोलती है यून से कि वैसे भी तुम वही वाला जो मेरे भाई के पीछे परी रहती थी, पर मैं भाई तुम्हें पत्ता भी नहीं देता था, तुम यहाँ पे आकर मेरी सिस्टर इन से झूठ बोल रही हो, भूलो मत। गुस्सा को चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू की सिस्टर सेन को समझाती है कि मिस्टर लू का क्रश आप पे था सिस्टर इन लॉ, किसी और अनदर गर्ल पे नहीं था। हमारी घर जाती है और मिस्टर लू का जो तो बॉक्स को खोलती है उसमें मिस्टर लू का सारा लिखा हुआ था यूथ पे कि हमारी हीरोइन को किस टाइम वो हेल्प किया था और जब भी जरूरत था वो हमेशा उसके स्टैंड में था। हमारी हीरोइन नहीं समझ पाई, ये पहनने कल बहुत रो रही होती है। मिस्टर लू को कॉल करती रोते रोते। तो मिस्टर लू बोलते क्या इतना रो क्यों रही हो। तभी सेन बोलती कि मिस्टर लू मुझे इतना जरूरत है। तो मिस्टर लू मीट कर अपनी वाइफ के लिए घर पहुंच जाता है। लू घर जाता बोलता कि तुम्हें किसने बोली किया। तो सेन बोलने तो मिस्टर लू बोलते कि मैंने बोली किया। बोलते कि तुम उसे बात कैसे छुपा सकते हो, वैसे भी मेरा बटन है ना। तो मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस लू का तो आइस बहुत बढ़िया है। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें सीक्रेटली बहुत ज्यादा लाइक करता था, जब तुम्हें स्कूल का स्पॉन्सरशिप का जो था मैंने दिया था और एक कल स्कूल में ने तुम्हें बुली कर लिया था, मैंने इसको बीट किया था। ये सुनने के बाद हमारी बहुत रोने लगती है, मिस्टर लू को किस करती है। फिर मिस्टर लू उसको कैरी करता
होता है और ना ही स्पेंड करते साथ में वो लोग। मिस्टर लू नेक्स्ट डे होता है तो सेंड उठती है तो बोलती है क्या देख रहे हो। तो मिस्टर लू बोलते हैं कल रात का परफॉर्मेंस से तुम क्या खुश हुई, सेटिस्फाई हुई? इस बात पे सेंड बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। फिर बोलते हैं मिस्टर लू कि तुम्हें बॉक्स कहाँ से मिला। तभी मिस्टर लू को हमारी बोलती है कि कल यौन आई थी, यौन ने मुझे बताया। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि मेरा स्कूल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेंड बोलती है कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट है। और मिस्टर लू बोलते हैं कि जो भी ऐसा किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है इन कंपनी जाती है जहाँ पे मिस्टर लू बोल चुका था कि मिस के साथ कोई भी कॉलरबैक नहीं करेगा ना ही यौन कंपनी के साथ। मारियन घर जाती है तो मिस्टर लू उसको बहुत सारा खाना खिलाता है। इसके बाद वो लोग ग्रैंड मदर के ग्रीफ यार्ड पे जाते हैं और मिस्टर लू यही बोलता है कि मैं सेन को बहुत अच्छे से टेक केयर करूंगा। उन्हीं के सामने वो प्रपोज भी करता है ग्रीफ यार्ड के पास। आज के लोगों को शादी का दिखाया जाता है जहाँ पे लोग एक दूसरे के संग शादी करते हैं, हैप्पीली खुश हो जाते हैं, रंग खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।